गुड मॉर्निंग सभी को। और अभी बज रहा है सुबह का 10, मतलब ज़्यादा टाइम हो गया, काफ़ी क्लास खत्म हुई है, नहा के आई हूँ मैं, कपड़े साफ सफाई सब हो चुकी है, मेथी ली है, मेथी साफ करनी है। तो आप सब लोग कैसे हैं बता दीजिएगा, हम लोग तो बहुत अच्छे हैं और अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन फिर से कब कौन सा बीमारी आ जाए पता नहीं है, इसलिए सब लोग ध्यान रखिए, बिना मास्क के बाहर मत निकलिए, लगे ना तो ही बाहर जाओ, उनको कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की। तो बस हमारी सेकंड चाय हो रही है, उनके पापा को चाय चाहिए तो बस सेकंड चाय बन रही है इनकी और मेरी। काव्या के लिए मैगी बना रही है, उसको भूख लग रही है। और खाने में सिंपल सा खाना बनाऊंगी, दाल चावल। तो शाम को देखती कोई अच्छी सी कोई होगी रेसिपी, अच्छी सी क्या, मेथी ली है, शायद मेथी ही बनाऊंगी, या फिर देखती कुछ और रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ तो। और हाउ टू मेक के लिए भी रेसिपी बनानी है, कल मैंने कुछ भी रेसिपी नहीं बनाई, एक दिन का गैप छोड़ के हाउ टू मेक पे वीडियो डालती हूँ, तो कल तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, आज बनाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर ये है ना, जो मैंने जिंजर पाउडर बना के रखा था ना, वो भी ख़त्म होने वाला है, सिर्फ इतना बचा है। 1 किलो अदरक का जिंजर पाउडर, 2 किलो का बनाया था जिसमें से 1 किलो दीदी को दे दिया था और 1 किलो मेरे पास बचा था। ये तो सूखने के बाद तो वो आधा ही रह जाता है, क्योंकि गीलापन सारा उड़ जाता है, जो उसमें नमी रहती सारी उड़ जाती है, तो वेट भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना बचा है ये जिंजर पाउडर, और काफ़ी मतलब अच्छी खुशबू आती है। ऐसा सोचते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि जिंजर को सुखाने या गार्लिक को सुखाने के बाद उसमें स्मेल खुशबू नहीं रहती है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू रहती है। और चाय या जिसमें भी आप डाल रहे हो उसमें उसका टेस्ट आता है, तो आप उसको इस तरह से स्टोर करके रख सकते हो ऑफ टाइम, जब अदरक का सीजन नहीं रहता है या जिंजर गार्लिक कम मिलते हैं, तो आप उस समय इस तरह से इनका मतलब पाउडर बना के रख सकते हो। इसका मैंने अपलोड कर रखा है और वीडियो, तो किस तरह से कर सकता हूँ इसको स्टोर, ये आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पर जाकर। तो चाय बन गई है, साथ में मैगी भी बन गई। और बजाने जो मेरा एलोवेरा है ना, उसका ये देखिए एक जो लीव्स है ना वो टूट गई, एक कंठल टूट गया है इसका, तो मैंने सोचा इसका जेल बना के रख लेंगी या फिर हेयर मास्क के रूप में इसको मैं काम में ले लूँगी। तो कल मैं हेयर वॉश करूँगी, तो मैं सोच रही आज इसको मैं यूज़ कर लूँगी, अभी तो इसको रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर डेली यूज़ के हिसाब से जिंजर पाउडर निकाल लेती हूँ इसमें और बाकी का रख देती हूँ, क्योंकि अभी 2 बार और मतलब आ जाएगी बोतल भर के, देखिए। तो इस तरह से मैं भर के रख लेती हूँ, जब ये ख़त्म हो जाएगा तब इसको वापस से भर लेंगे। और चाय बन गई है, दूध डाल देती हूँ, उबल उबल के चाय क्या काली हो गई, तो इसमें और दूध डाला है, चाय तो काफ़ी समय पहले ही बन चुकी है। तो ऐसा रहता है ना कि एक काम हाथ में तो पहले उसको कर लो फिर दूसरा काम करो, तो बस वही होता है। और जब चाय वाई बनी रहती ना, बनती रहती, तब इस तरह के काम ज़्यादा आते हैं। तो बस यहाँ पर चाय छान लेती हूँ, इनके पापा भी वेट कर रहे हैं, काफ़ी देर हो गई है, सिर्फ 2 कप चाय बन रही, जिसमें से थोड़ी थोड़ी सी चाय बन रही, मतलब 3-3, 4-4 घूट चाय बनी है, और इतनी ही पीते, मतलब पी लेते ना इतनी तो भी रिलैक्स मिल जाता है कि हाँ चलो चाय तो पी ली है। और चाय के पीले इनको पानी भी चाहिए रहता है, तो बस पानी भी लेके जाती हूँ और चाय दे देती हूँ। पहले मेथी रखी है तोड़ने के लिए, और मेथी वाला इतना पानी डाल के लेके आया मेथी में कि वो आधा 1.5 घंटे भी रह गई ना, तो नीचे से जड़ में से मतलब पूरा पानी जड़ में आके और पूरी ऐसी मेथी गल गई ना। यहाँ पर ये हैंकी लिया है मैंने, तो हैंकी टक कर लेती हूँ, भूल जाती हूँ आजकल हैंकी टक करना, स्किप कर दिया ना, जो भूल जाती हूँ उसको हैंकी का टक करना। तो बस चलिए कर लेते हैं फटाफट काम। और ब्लॉग आप लोग को कैसे लगते हैं, अगर आप कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, तो मैं कोई रेसिपी आप लोग के साथ यहीं पे शेयर कर दूँगी, हाउ टू मेक की जो रेसिपीज़ हैं या जो भी मुझे आता होगा या जो भी आप देखना चाहते हैं, जो भी रेसिपीज़ आप वॉच करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर मैं दाल को धो के रख देती हूँ, चाय में रख के आई हूँ पीने के लिए, और वो ठंडी हो जाएगी। काव्या की मैगी भी बन गई है, तो उसको भी मैगी दे देती हूँ अभी थोड़ी ठंडी, मैंने इसमें बाउल में ही कर दी है ताकि वो इजीली खा ले, नहीं तो वो जिस बाउल में उसको दूंगी ना वो आधा 1 घंटा तक उसी में पटक के रखेगी और फिर वो एकदम स्वाद बदल जाता है। थोड़ी कुनकुनी रहती ना मैगी खाने में, तो अच्छी लगती है। यहाँ पर वो पीछे रूम में बैठी तो उसको मैगी दियाती हूँ, वो मेरी चाय भी है ना ठंडी हो गई है, तो मैं चाय पीते पीते लहसुन साफ़ कर लेती, क्योंकि दाल में ढेर सारा लहसुन डलता है मेरे यहाँ पर। ढेर सारे का मतलब है कि 10-12 लहसुन की कली तो डलती है, बहुत से लोग क्या 2-4 कली डाल देते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर लहसुन ज़्यादा लगता है। तो बस यहाँ पर मैं लहसुन भी छीलूँगी, साथ में मेरी चाय रखी है तो चाय पीऊँगी। इनके पापा बैठ के चाय पी रहे हैं, उनकी आधी चाय भी ख़त्म हो चुकी है और मैं अब बैठी हूँ पीने के लिए। तो बस ये बात करते जा रहे हैं, इनसे मैं बात भी करती जा रही हूँ और अपना काम भी करती जा रही हूँ, साथ में चाय भी पीती जा रही हूँ। मेथी रखी है, मेथी को साफ़ भी करना, मेथी को साफ़ करना एक तरह से देखा जाए तो टेंशन है, क्योंकि साफ़ सुथरी मेथी रहती ना तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी पानी में गलगच मेथी रहती ना तो उसको साफ़ करना
बहुत ही परेशानी का काम है। और इतनी मिट्टी थी ना इसमें, थी मैं जब मैंने साफ़ करी थी ना, इतनी मिट्टी थी, मिट्टी थी। यहाँ पर देखिए इनने चाय पीकर कप को खसका दिया है और मैं इनसे बातें करी जा रही हूँ, मतलब अलग ही टोन में बातें चल रही हूँ हम लोग की, तो बस वो कर रही हूँ मैं। और मतलब इनको क्या वीडियोज़ बनाना अच्छा नहीं लगता है, मतलब फालतू का काम लगता है कि ये फालतू का काम है, और जबकि कितना काम तो हम करते ही हैं, सब सिर्फ उसको वीडियो में हम लेते हैं, वीडियो बस बनाते हैं, बाकी काम तो हमारा वही रहता है रूटीन का, और उसको हम बस वीडियो में ले लेते हैं। फिर भी इनको वो बेकार लग, मतलब एक तरह देखा जाए तो काम ही बेकार है, वीडियो थोड़ी बेकार है। ऐसी हमारी बहस चल रही थी, और बस यहाँ पर मेरी चाय हो गई है फिनिश, और अब चलते हैं फिर से किचन में। दाल चावल बन चुके हैं और यहाँ पर मैं चिप्स पापड़ फ्राई कर रही हूँ, तो सबके अपने अपने पसंद के चिप्स पापड़ है, किसी को आलू के पापड़ पसंद है, किसी को मैदे के पापड़ पसंद है, और किसी को चिप्स पसंद है, तो सबके अपने अपने पसंद के फ्राई हो रहे हैं आलू पापड़ और चिप्स। तो बस ये फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद खाना वाना खा के फिर फ्री होंगी मैं, उसके बाद थोड़ी देर आराम करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ फिर मैं शाम को आप लोगों से। पास में काम चल रहा है तो बाहर की आवाज़ आ रही है, मशीन कुछ फर्श वर्श कट रहा है, शायद उसकी मशीन की आवाज़ है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इग्नोर करिएगा इस वॉइस को। और अभी लेट हो गई मैं वॉइस देने में, वीडियो अपलोड होने में भी लेट हो जाऊंगी, तो बस ये शाम का समय है, शाम का बज रहा है 4:30 के आसपास हो रहा है, तो मैंने सोचा कि ये जो घी का डिब्बा आया है तो घी को भी निकाल लूँगी, साथ में यहाँ पर किराना लेके आई थी तो उसको भी जमा लूँगी, और ये शाम की चाय हो रही है मेरी, तो ये मेरा कप जो है ना ये फिक्स है, इसी में मैं चाय पीती हूँ। यहाँ पर मैं किराना लेके आई थी, एक दिन पहले लेके आई थी, फिर भी पड़ा रह गया ये, तो मैंने कहा सोचा अब इसको जमा लेती, और चीज़ जो है ना वो इसी में रखा रह गया, तो मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि उसको फ्रिज में रखना, मेरे को ये देखिए इसी में रखा था, मतलब एक दिन पूरा, एक दिन और एक नाइट पूरा बाहर ही रह गया। तो चलिए इसको रख देती हूँ फ्रिज में, और इससे तो मुझे बहुत सारी रेसिपीज़ बनानी पड़ती है, हाउ टू मेक पे, क्योंकि चीज़ मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसकी रेसिपीज़ अधिकतर शेयर करती हूँ मैं। यहाँ पर ये मैदा ले आई थी, डी मार्ट से लेके आई थी, तो 2 किलो मैदा था, लेकिन मेरे को ना डी मार्ट का मैदा नहीं जमता है। दीदी आ गए थे तो फिर वो भी बात करने लगे थे कि तुम्हारा तो वीडियो चल रहा है, तो मैंने कहा बस ये वाला तो मैं ख़त्म करने वाली हूँ, ये वाला वीडियो, और ज़्यादा नहीं लेने वाली थी यहाँ पर मैं, बहुत लंबे हो जाते हैं वीडियो, फिर कोई वॉच भी नहीं करता, तो बस ये सामान फटाफट जमा लेती हूँ। और बिस्किट्स भी मैं लेके आई हूँ सब तरह के, तो उनके भी 2-2, 3-3 पैकेट निकाल लेती हूँ, बाकी का जो एक्स्ट्रा है उसको एक स्टील की टंकी है उसमें करके मैं ऊपर टांड पे रख देती हूँ, क्योंकि नीचे इतनी जगह नहीं है, इतनी स्पेस नहीं है कि सारा सामान मैं नीचे रख लूँ, तो यहाँ पर बस मैंने 1-2 पैकेट निकाल लिए, बाकी जो एक्स्ट्रा है उनको मैं ऊपर रख दूँगी। सबके मैं बड़े बड़े पैकेट लेके आई हूँ ताकि बार बार बाहर जाना नहीं पड़े, मतलब एक महीने से ऊपर चल जाएंगे मुझे ये, साथ में घर में और भी बनते रहते हैं आइटम तो उससे भी काम चल जाता है। तो बस यहाँ पर थोड़ी डिब्बे व्यवस्थित कर देती हूँ, घी का निकालने का समय नहीं मिला। और यहाँ पर काव्या खा रही है मैगी, और इसकी सिस्टर्स लोग खा रहे हैं ये जो मैंने स्नैक्स बनाए थे चीज़ ऑनियन स्नैक्स, वही खा रहे हैं, चीज़ ऑनियन रिंग्स उनको बनाए थे मैंने, तो वही खा रहे हैं। साथ में यहाँ पर प्रांजल ने अपनी ड्राइंग बनाई थी वो ऐसे कैसे रखी हुई है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ मोटर देखने, क्योंकि पानी खींच रहा है, मोटर चल रही है। अभी बस मेथी की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, मेथी की सब्ज़ी काटी, मेथी साफ करके रखी मैंने, बस ये सब्ज़ी बनाऊँगी अभी, और लाइट का रिफ्लेक्शन आता बंद करके आती हूँ। अच्छा लग रहा ये वाली रेसिपी सुबह मॉर्निंग में ब्लॉग के साथ आएगी, तो आप लोग वॉच कर लीजिएगा, एक दिन छोटी एक दिन रेसिपी आती है और एक दिन शॉर्ट वीडियो डालती हूँ। चलिए अभी अभी कितना बज रहा है, 7 बज रहे हैं, 7 बजे मैं हाउ टू मेक की रेसिपी बना के चली हुई हूँ, अब मैं बनाऊँगी खाना। तो स्मेल जैसी आ रही है तो उसने वापस से कपूर लिया है हाथ में, तो चलिए कर लेती हूँ तैयारी फटाफट मेथी की सब्ज़ी की। तो यहाँ पर मेथी की सब्ज़ी भी हम लहसुन से भगाते हैं, बहुत से लोग राई जीरे से भगाते हैं, प्याज से भगाते हैं, लेकिन हम सिर्फ लहसुन से भगाते हैं। ढेर सारा लहसुन डाला है, 1 चम्मच भर के ऑयल लिया है, उसके बाद मैंने आलू डाल दिए हैं, और नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी है, और अब डाल देती हूँ मेथी। तो मेथी के साथ साथ आलू पकते जाएंगे, ये आलू थोड़े लेट पकते हैं इसलिए मैंने दोनों साथ में डाल दिए हैं, तो बस ये पक जाएगी उसके बाद खाना लगा दूँगी। और आज का ब्लॉग एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।